खुट्टी बाजार के साहू भवन में शनिवार को तैलिक साहू सभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सर कोडरमा के सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी के द्वारा समाज को एक एम्बुलेंस समर्पित किया गया। यह सम्मान समारोह जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू की अध्यक्षता में की गई। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि साहू समाज एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों का बखूबी निर्वहन करता रहा है। समाज की इस पहल को देखते हुए इन्होंने विगत दिनों समाज के लोगों को एम्बुलेंस देने की घोषणा की, जिसे अब समाज को समर्पित किया जा रहा है। मौके पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा मंत्री एवं अन्य अतिथियों को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू अन्य प्रमुख लोगों ने मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि यह समाज के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस समाज पर इतना भरोसा किया है। समारोह को संगठन महासचिव धन प्रकाश, सचिव देवेंद्र गुप्ता, खुशबू कुमारी ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने किया। समारोह में जिला उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, संरक्षक गौरी शंकर साहू, अरुण साहू, देवराज मनिक चंद गुप्ता, नगर सचिव मनीष गुप्ता, प्रदीप कुमार साव, आरती देवी सहित कई लोगों का सार्थक योगदान रहा। देखिए, गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है माननीय सांसद कोडरमा और देश के लोकप्रिय मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने साहू समाज के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया और मैं आज इस पावन दिन में उनको समाज की ओर से सभी लोगों को बधाई देते हैं और ख़ास करके अन्नपूर्णा जी को कि उन्होंने इतना वक्त निकाल करके इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज की जो हमारे समाज की सेवा करता है वो समाज को एक और मजबूती प्रदान करने का काम किया है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साहू समाज से मेरा यह निवेदन होगा कि इस एम्बुलेंस का उपयोग सही ढंग से करें और आगे भी जो उनकी मांग है मैं अपनी ओर से माननीय राज्य मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि और भी जो मांग है उसकी पूर्ति किया जाए। पहले साहू सभा वी सर्व के सिद्धांत पर काम करती है, इसका मतलब है कि हम मानव सेवा के लिए काम करते हैं। आज माननीय मंत्री महोदया के द्वारा हमारे समाज को एम्बुलेंस दिया गया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस आश्वासन के साथ हम लोग ग्रहण किए हैं कि उनकी जो अपेक्षा रही एम्बुलेंस देने के प्रति उसमें हम लोग 100% खड़े उतरेंगे और हमारा ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो मानव सेवा के लिए रहेगा और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये मानव सेवा को आज हम समर्पित कर रहे हैं।